हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टू डायमेंशन एरे के बारे में। इसमें हम मैट्रिक्स के डिफरेंट प्रोग्राम को करेंगे, लाइक एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो ये जो हमारा लेक्चर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले करेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, राइट अ सी प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स ऑर्डर 2x2। तो सबसे पहले हम इसके लॉजिक को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने दो मैट्रिक्स ले रखे हैं, एक ए और एक बी। यहाँ पे देखिए, हमने लिखा है A00, A01, A10 और A11। तो ये हमारे पोजीशंस हैं, ये हमारे पहले रो का पहला कॉलम है, ये हमारे पहले रो का दूसरा कॉलम है, ये हमारे दूसरे रो का पहला कॉलम है और ये हमारे दूसरे रो का दूसरा कॉलम है। तो यहाँ पे हमने A00 लिखा है क्योंकि ये हमारे पहले रो का पहला एलिमेंट है। तो इसी तरीके से सेम हमने दूसरा मैट्रिक्स भी लिख रखा है। तो जब हमारा एडिशन होता है तो इस पोजिशन वाली वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स के इस पोजिशन वाली वैल्यू से ऐड हो जाती है। इट मीन्स A00 वाली वैल्यू A01 से ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा A00 + B00। सेम ऐसे ही A01 B01 से ऐड होगा और यहाँ पे आ जाएगा A10 B10 से ऐड होगा और यहाँ आ जाएगा A11 B11 से ऐड होगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसका कोड देख लेते हैं। देखिए, हमने कोड लिख लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखा हुआ है, देन उसके बाद यहाँ पे इंटीजर टाइप का देखिए हमने 2x2 का 3 एरे ले रखा है क्योंकि यहाँ पे 2x2 के मैट्रिक्स का हमको एडिशन करना था। तो पहला हमारा मैट्रिक्स है A22, दूसरा हमारा मैट्रिक्स है B22, तीसरा हमारा मैट्रिक्स है C22 और इसके अलावा हमने INJ दो वेरिएबल लिए हैं रो एंड कॉलम के लूप को चलाने के लिए। फिर हमने यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है और इसके अंदर लिखा है इंटर फर्स्ट एरे एलिमेंट और इसके बाद हमने सबसे पहले आई का लूप, जो कि हमारे रो के लिए चलता है, 0 से लेकर के i < 2 तक चलाया है। तो ये लूप हमारा 0 से 1 तक चलेगा 0 and 1 टाइम। इसके अंदर फिर हमने कॉलम वाला लूप चलाया है j 0 से लेकर के j < 2 तक, तो ये भी हमारा 0 से लेके 1 तक चलेगा। तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 आएगी और j वाला लूप हमारा 0 से 1 चलेगा और दो वैल्यू हमारे पहले रो की यहां पे इंटर हो जाएगी। उसके बाद हमारा i का लूप 1 आएगा और j वाली लूप हमारी 0 से लेके 1 तक चलेगी और दूसरे रो की हमारी दो वैल्यू यहाँ पे इंटर हो जाएगी। फिर इसके बाद जो हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है या सेकेंड एरे है, उसके एलिमेंट्स को हम इंटर कराएंगे। तो यहाँ पे हमने फिर अगेन रो वाला लूप चलाया है 0 से लेकर के i < 2 तक और फिर हमने कॉलम वाला लूप चलाया है जे की वैल्यू 0 से लेकर के j < 2 तक और यहाँ पे हमने एंड bij की वैल्यू को इंटर कराया है। तो ये भी हमारा 0 से 1 तक चलेगा, जे वाला भी 0 से 1 तक चलेगा और यहाँ पे 4 वैल्यू हमारी इंटर होके आ जाएगी। इसके बाद देखिए, अब हमको मेन एडिशन परफॉर्म करना है। अगर हमने 2x2 का मैट्रिक्स लिया हुआ है तो यहाँ पे हमारे 4 एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में। ए में 4 एलिमेंट होंगे और बी में हमारे 4 एलिमेंट होंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें भी हमारे 4 एरे एलिमेंट्स होंगे या मैट्रिक्स एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने लूप जो चलाया है अगेन 0 से लेकर के 1 तक चलाया है और जे वाला लूप भी 0 से लेकर 1 तक चलाया है और इसके अंदर हमने लिखा है Cij = Aij + Bij। इट मीन्स जो हमारा Aij वाली पोजिशन वाली वैल्यू है वो Bij वाले पोजिशन से ऐड होकर के Cij वाले पोजिशन पे आ जाएगी। हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि A00 वाली पोजिशन वाली वैल्यू B00 वाले पोजिशन वैल्यू से हमारी ऐड होगी और वो C00 पे हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हमारा लूप 4 टाइम चलेगा और 4 एलिमेंट हमारे ऐड होकर के Cij मैट्रिक्स में स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हम प्रिंट कराएंगे। अगेन हम लूप चलाएंगे 0 से लेकर के 1 तक आई वाला और जे वाला लूप 0 से लेकर के 1 तक। अगेन ये हमारा लूप इटरेट करेगा और Cij की वैल्यू हम यहां पे प्रिंट करा देंगे। इट मींस जो 4 हमारे मैट्रिक्स एलिमेंट थे वो हमारे प्रिंट होकर के आ जाएंगे। यहां पे देखिए, जब जे वाला लूप हमारा यहां पे एंड हो रहा है, इसके बाद हमने यहां पे /n लगाया हुआ है। /n इसलिए लगाया हुआ है कि जैसे ही हमारा जे वाला लूप टर्मिनेट होगा, इट मींस 1 रो की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद हम लाइन को चेंज करेंगे, देन i की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होके 1 होगी एंड देन अगेन सेकंड रो की वैल्यू हमारी प्रिंट होगी एंड देन उसके बाद हमारा लाइन चेंज होगा। तो इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करके आउटपुट आ जाएगा। यहां पे देखिए, हमने /t लिखा हुआ है। /t जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए होता है। इट मींस जब हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट प्रिंट करेंगे तो उनके बीच में हमारा एक-एक स्पेस आ जाएगा। जब इस मैट्रिक्स को हम रन कराएंगे तो सबसे पहले यहां पे हम
फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट को यहां पे इंटर कराएंगे जो कि एंड ए आई जे है, इसमें फोर एलिमेंट्स हमारे इंटर होंगे। देन इसी तरीके से सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम इंटर कराएंगे जो कि बी आई जे है, इसमें भी फोर एलिमेंट होंगे। उसके बाद हमारे ए आई जे वाली वैल्यू बी आई जे में एड होकर के सी आई जे पे स्टोर हो जाएंगे, तो ये भी हमारा फोर एलिमेंट सी आई जे में स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो सी आई जे की वैल्यू यहाँ पे हमारी प्रिंट होकर के आ जाएगी और यही हमारा आउटपुट होगा। दूसरा प्रोग्राम है हमारा राइट अ सी प्रोग्राम फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स ऑर्डर 2x2। तो जैसे हमने एडिशन का प्रोग्राम किया था सेम वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम करेंगे, लेकिन प्लस के जगह पे यहाँ पे हम माइनस साइन लगा देंगे। तो जो हमारा A00 पोजीशन वाली वैल्यू होगी वो B00 पोजीशन से सब्ट्रैक्ट होकर के जो हमारा रिजल्टेंट होगा वहां पे ये स्टोर हो जाएगी। तो चलिए अब हम कोड समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिख लिया, देन यहाँ पे ए बी और सी तीन हमने 2x2 का मैट्रिक्स ले रखा है या 2-dimensional array ले रखा है। उसके बाद हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू को इंटर करा दिया, लूप i वाला 0 से 1 और j वाला भी 0 से 1 चलाया, और यहाँ पे हमने aij की वैल्यू इंटर कर दिया है, इट मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू को इंटर कर दिया है। इसके बाद हमने सेकेंड मैट्रिक्स की वैल्यू को इंटर कराने के लिए i वाला लूप 0 से लेकर 1 तक चलाया है, j वाला लूप 0 से 1 तक चलाया है और bij यानी सेकेंड मैट्रिक्स की वैल्यू को यहाँ पे इंटर करा दिया है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमने अगेन फॉर लूप चलाया है 0 से लेके 1 तक, i वाला एंड j वाला 0 से लेके 1 तक चलाया है और यहाँ पे परफॉर्म किया है सी आई जे इक्वल्स टू ए आई जे माइनस बी आई जे। तो ए आई जे वाली पोजिशन वाली वैल्यू बी आई जे से सब्ट्रैक्ट होकर के सी आई जे में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हम आउटपुट मैट्रिक्स को प्रिंट करा देंगे। अगेन हमने i वाला लूप 0 से लेके 1 तक चलाया है और j वाला लूप भी 0 से लेके 1 तक चलाया है और इसके अंदर सी आई जे जो हमारा आउटपुट आया था इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दिया है और यहाँ पे जे वाला लूप जहां क्लोज हो रहा है वहां पे हमने स्लैश एन लगा दिया है लाइन को चेंज करने के लिए। और जैसे ही ये हमारा आई वाला लूप टर्मिनेट होगा ये गेट सी एस स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सब्ट्रैक्शन लगाया है तो ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर देगा और इसके पहले वाले में हमने प्लस लगाया था तो वो एडिशन परफॉर्म कर देगा। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर ट्रांसपोज ऑफ टू मैट्रिक्स ऑर्डर एन क्रॉस एन। देखिए अब तक क्या कर रहे थे हम, 2x2 का हम मैट्रिक्स ले रहे थे तो वहां पे लूप हम 0 से 1 चला रहे थे, या अगर हम 3x3 लेते तो हम 0 से लेकर 2 लूप चलाते, लेकिन अगर किसी प्रोग्राम में n क्रॉस n दिया हो तो उसको कैसे परफॉर्म करेंगे उसको हम अब प्रोग्राम में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ट्रांसपोज का मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पे अगर ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ट्रांसपोज करना है अगर हमको, तो हम क्या करते हैं रो को कॉलम से, कॉलम को रो से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया है तो इसका ट्रांसपोज हमारा ये आएगा। देखिए हमने यहां पे A00 हो गया क्योंकि 00 चेंज होगा तो हमारा एज इट इज रहेगा। A01 जब हमारा चेंज होगा 1 वाली वैल्यू यहां आ जाएगी और 0 वाली वैल्यू यहां आ जाएगी तो ये 10 हो जाएगा, इस तरीके से ये A10 हो जाएगा, इस तरीके से ये A01 हो जाएगा और ये हमारा A11 हो जाएगा। तो चलिए अब प्रोग्राम देख लेते हैं। तो चलिए हमने कोड लिख लिया है, सबसे पहले हेडर फाइल लिखा, देन यहां पे देखिए हमने दो मैट्रिक्स लिए हुए हैं A10-10 एंड B10-10। यहां पे देखिए सबसे पहले हम साइज डिस्कस कर लेते हैं क्यों हमने 10 एंड 10 लिया हुआ है। यहां पे हमको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर n क्रॉस n करना था तो यहां पे हमको प्रोग्राम करना है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर n क्रॉस n। तो n क्रॉस n का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू यूजर इंटर करेगा और जो इंटर करेगा n की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली हमारा वो मैट्रिक्स क्रिएट होगा। तो यहां पे जब हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमको यहां पे कुछ मैक्सिमम साइज दे देनी पड़ेगी और उस साइज तक या उस साइज से कम तक की n की वैल्यू हम इंटर करेंगे। तो यहां पे देखिए हमने मैक्सिमम साइज यहां पे दे रखा है A10-10 एंड b की भी 10-10 दे रखा है और इसके अलावा n कितने नंबर ऑफ रो या कॉलम होंगे उसके लिए n लिया है और inj रो एंड कॉलम के लूप को चलाने के लिए लिया है। ये सारी वैल्यू हमने इंटीजर टाइप का ले रखा है। उसके बाद हमने यहां पे प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट लिखा है इंटर द एरे डायमेंशन, उसके बाद हमने n की वैल्यू को इंटर करा दिया है। उसके बाद हमने सबसे पहले किया है इंटर एरे एलिमेंट, तो हमने यहां पे लूप जो है 0 से लेके n-1 तक चलाया है। तो सपोज करिए अगर n की वैल्यू हम यहां पे 2 इंटर करते हैं तो ये हमारा लूप 0 से लेके 1 तक चलेगा यानी 2 टाइम हमारा चलेगा। तो देखिए हम यहां पे 10x10 का यहां पे हमने मैट्रिक्स ले रखा है, इट मींस n की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 10 ले सकते हैं या फिर उससे कम ले सकते हैं, हम 11-12 नहीं ले सकते हैं। तो यहां पे हम n क्रॉस n नहीं, हम यहां पे कुछ मैक्सिमम साइज दे देंगे जो कि हमारा मेमोरी एलोकेट कर देगा और उस मेमोरी से ही हम एरे को यहां पे इंटर या फिर प्रिंट कराएंगे। तो यहां पे हमने लूप चलाया है i का 0 से लेके n-1
तक, J वाला भी हमने चलाया है कॉलम के लिए 0 से लेके n-1 तक, और Aij जो हमारा मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू को एंटर कर दिया है। इसके बाद हमने आउटपुट को प्रिंट कराया है, तो अगेन हमने रो वाला लूप 0 से लेके n-1 तक चलाया है और कॉलम वाला भी लूप हमने 0 से लेके n-1 तक चलाया है और यहां पे हमने Bij की वैल्यू को स्टोर कर दिया है। देखिए ये बहुत ध्यान समझना है, तो देखिए हमने यहां पे क्या किया है, जो Aij वाली वैल्यू थी उसको हमने Bji पोजीशन पे स्टोर कराया है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि जो वैल्यू हमारे Aij पे स्टोर थी उसको हमने Bji पे स्टोर कराया है। अभी हमने ट्रांसपोज नहीं किया है, अभी हमने जस्ट Aij वाले जो भी वैल्यू थे उसको Bji पे स्टोर करा दिया है। इसके बाद जब हम आउटपुट को प्रिंट कराएंगे तो देखिए हमने लूप, तो अगेन हमने रो वाला लूप 0 से लेके n-1 और कॉलम वाला लूप अगेन 0 से लेके n-1 तक चलाया है और इसके अंदर हमने प्रिंट कराया है Bij। देखिए इसके पहले हमने Aij वाली वैल्यू को Bji में स्टोर कराया था और अब यहां पे जब Bji वाली वैल्यू को हम Bij में प्रिंट कराएंगे तो वो हमारा ट्रांसपोज होके आ जाएगा, क्योंकि Aij वाली वैल्यू हमारी Bji में स्टोर थी, अब Bji वाली वैल्यू को हमने रो वाली वैल्यू को कॉलम में और कॉलम वाली वैल्यू को रो में चेंज कर दिया है और इसको Bij लिख दिया है, तो ये यहां पे ट्रांसपोज करके आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही J वाला लूप हमारा टर्मिनेट होगा तो हम लाइन चेंज करेंगे और उसका जैसे ही हमारा I वाला लूप टर्मिनेट होगा हमारा गेट सीएच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा ट्रांसपोज प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो यहां पे देखिए लॉजिक यही है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले Aij की वैल्यू को एंटर करेंगे और उस सेम वैल्यू को हम Bji वाले पोजीशन पे स्टोर करा लेंगे और जब आउटपुट मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे तो जो वैल्यू हमने Bji पे स्टोर कराया था उसको हम Bij प्रिंट करा देंगे, तो हमारी वैल्यू सारी ट्रांसपोज होके आ जाएगी। देखिए इस प्रोग्राम को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, उसको भी हम करके दिखा देते हैं। देखिए अभी जो हमने प्रोग्राम किया था ट्रांसपोज का उसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहां पे देखिए हमने एक एरे लिया है साइज 10 का, यहां पे हमने n की वैल्यू को एंटर करा लिया है और जो हमारा मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू को हमने यहां पे एंटर करा दिया है। इसके बाद देखिए हमने क्या किया है, यहां पे हमने Aij की वैल्यू को इंटर कराया है, तो देखिए यहां पे हमने Aij यहां पे इंटर किया है और नेक्स्ट अगर हम इसको Aji करके प्रिंट करा दें तो हमारा ट्रांसपोज प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो देखिए यहां पे हमने आउटपुट जब प्रिंट कराया है, देन अगेन रो वाला लूप चलाया 0 से लेके n-1 तक, कॉलम वाला लूप चलाया 0 से लेके n-1 तक और इसके अंदर देखिए हमने Aji प्रिंट करा दिया है, यानी रो वाली वैल्यू को कॉलम में एंड कॉलम वाली वैल्यू को रो में चेंज कर दिया है, तो जो मैट्रिक्स हमने इंटर किया था उसका ट्रांसपोज यहां पे प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो हम चाहे तो सिंपली इस तरीके से भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। आज का लास्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3। तो यहां पे देखिए हमने दो मैट्रिक्स लिए हुए हैं। अब तक देखिए क्या होता था, जो A00 वाली पोजीशन वैल्यू थी वो B00 में जुड़ जाती थी तो एडिशन हो जाता था। तो देखिए जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब देखिए हमारा क्या होता है कि हमारा ये वाला एलिमेंट, इट मींस पहले रो का पहला एलिमेंट हमारे दूसरे रो के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद हमारा पहले रो का दूसरा एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरे रो का पहला एलिमेंट हमारा मल्टीप्लाई होता है एक दूसरे से, तो ये हमारा पहला टर्म कैलकुलेट होकर के आता है। तो यहां पे देखिए मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगर हमको एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेट करना है तो यहां पे देखिए A00 मल्टीप्लाइड बाई B00 प्लस A01 मल्टीप्लाइड बाई B10 आया है। तो यहां पे इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा, तो यहां पे हमने दो टर्म का एडिशन किया है प्लस यहां पे हमने दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन भी दो बार किया हुआ है। इट मींस ये 2x2 का मैट्रिक्स था तो दो बार एडिशन हुआ है, अगर ये 3x3 का होगा तो ये हमारा 3 बार एडिशन होता है। तो यहां पे हम देख लेते हैं, यहां पे देखिए हमने A00 मल्टीप्लाइड बाई B00 किया है एंड देन A01 मल्टीप्लाइड बाई B10 किया है, तो यहां पे हमारा Ij के अलावा एक और लूप, तो यहां पे हमारा Ij के अलावा एक और लूप चलेगा K वाला, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए परफॉर्म होगा। देखिए जब हमारा K वाला लूप चलेगा, यहां पे देखिए A00 एंड B00 है, तो ये 00 वाला एलिमेंट है ये हमारा लूप चलेगा K के लिए, तो सबसे पहले ये 0 आएगा, देन दूसरे वाले में देखिए ये हमारा A01 एंड B10 है तो यहां पे भी 11 आया है, तो ये हमारा K की वैल्यू यहां 1 हो जाएगी। अगर ऐसे ही हमारा 3x3 का होता तो ये आगे हमारा इसकी वैल्यू 2 आती, तो जो हम नेक्स्ट लूप चलाएंगे एक और K वाला मल्टीप्लिकेशन में वो हमारा सेम चलेगा जितने का ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स होगा, तो यहां पे हम 0 से लेके 1 तक लूप को चलाएंगे।
तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अभी हम प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम के थ्रू हमको इजिली समझ में आ जाएगा। देखिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है, अगर दो मैट्रिक्स हमारे गिवन है, दोनों के ऑर्डर हमारे डिफरेंट है, सपोज करिए एक मैट्रिक्स हमारे 2x3 का और दूसरा हमारा है 3x2 का, तो जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है कि नहीं। अगर सेम रहेगा तभी हमारा मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो सपोज करिए अगर किसी प्रोग्राम में आपको दो डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे वहां पे इफ स्टेटमेंट में, क्या हमारे पहले मैट्रिक्स का कॉलम की वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स के रो की वैल्यू के इक्वल है। अगर इक्वल होगी देन हम मैट्रिक्स परफॉर्म करेंगे, अगर इक्वल नहीं होगा तो हम प्रिंट करा देंगे मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल। तो चलिए अब हम कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लिख लिया, देन यहाँ पे देखिए हमने 3 मैट्रिक्स लिए हैं ए बी एंड एम, तो ए और बी हमारे दो मैट्रिक्स हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन करना है और हमारा जो एम है इसके अंदर हमारा रिजल्ट स्टोर होके आएगा। आई एंड जे हमने रो एंड कॉलम के लूप को चलाने के लिए लिया है और अभी हमने बताया के वाला जो है हमने मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया है। इसके बाद हम सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू को एंटर करा देंगे, तो ये हमारा लूप 0 से लेकर के आई लेस देन 3 तक चलेगा, इट मीन 0, 1, 2 तक चलेगा। देखिए ये हमारा लूप डिपेंड करता है कि हमारा मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है। सपोज करिए अगर ये 4 का होता तो हम 0 से लेकर के i less than 4 तक का लूप चलाते। अगर यहाँ पे हमको 3 एंड 3 का ही चलाना है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं i 0 से लेकर के i less than or equals to 2, तो वहां पे भी हमारा लूप 0 1 2 तक चलेगा। तो सबसे पहले हमने 0 से i less than 3 तक एक लूप चलाया है रो के लिए, देन दूसरा हमने कॉलम के लिए चलाया है j की वैल्यू 0 से लेकर के j less than 3 तक, और हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू को यहाँ पे इंटर करा लिया है। इसी तरीके से हमने सेकेंड मैट्रिक्स की वैल्यू को भी इंटर करा लिया है, यहाँ पे हमने 0 से लेकर i less than 3 तक रो के लिए चलाया है लूप, देन यहाँ पे कॉलम के लिए 0 से लेकर के j less than 3 तक के लिए लूप चलाया है और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे इंटर कर लिया है। देन देखिए अब हमको मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है, तो ये हमारा स्टेप जो होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किया है, हमने रो वाला लूप 0 से लेकर के i लेस देन 3 तक चलाया है, कॉलम वाला भी j की वैल्यू 0 से लेकर के j लेस देन 3 तक चलाया है, और उसके अंदर देखिए हमने k वाला लूप चलाया है, ये भी हमारा सेम जितना i एंड j है उतना ही चलेगा, तो ये भी हमने 0 से लेकर के k लेस देन 3 तक चलाया है। इसके अंदर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑपरेशन हमने लिखा है एम आई जे इक्वल्स टू 0, इट मीन्स जो हमारा एम आई जे होगा इसकी वैल्यू को हम पहले 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। देखिए हम कर क्या रहे थे, हम ए 00 वाली वैल्यू को बी 00 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, देन हम जोड़ रहे थे ए 01 मल्टीप्लाइड बाई बी 10 वाली वैल्यू से, तो वहां पे हमारा एडिशन हो रहा था डिफरेंट टर्म्स का, तो इसीलिए हमने एम आई जे की इनिशियल वैल्यू को यहाँ पे 0 ले रखा है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, हम के वाले लूप के अंदर इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म किया है एम आई जे इक्वल्स टू एम आई जे प्लस ए आई के मल्टीप्लाइड बाई बी के जे। देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन किया है एम आई जे और एम आई जे की वैल्यू को यहाँ पे सबसे पहले लिखा है और इसके अंदर ऐड किया है ए आई के मल्टीप्लाइड बाई बी के जे, तो आई वाला और के वाला लूप हमारा एज इट इज जो वैल्यू होगी लूप से आ जाएगा और के वाला लूप जो यहाँ से चलेगा वहां से ये के की वैल्यू हमारा उठा लेगा। तो देखिए अगर हमारी पहली वैल्यू आई की 0 आती है, जे की भी 0 आती है, के की भी 0 आती है, तो ये हमारा हो जाएगा ए 00 मल्टीप्लाइड बाई बी 00। नेक्स्ट टाइम में हमारे आई एंड जे की वैल्यू तो 0 0 रहेगी, के की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा ए 01 मल्टीप्लाइड बाई बी 10। देन हमारा लूप 2 आएगा तो हमारा आई एंड जे की वैल्यू 0 0 ही रहेगी, तो ये हमारा हो जाएगा ए 02 मल्टीप्लाइड बाई बी 20। और ये तीनों टर्म हमारे ऐड हो जाएंगे एम आई जे के अंदर और ये हमारा पहला टर्म मैट्रिक्स का कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब सबसे पहले हमारा आई की वैल्यू 0 रहेगी और जे वाला लूप 0 से लेके 1 तक चलेगा, तो हमारी यहाँ पे पहले रो की तीनों वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएंगे। इस तरीके से जब आई की वैल्यू 1 होगी तो दूसरे रो की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी और जब आई की वैल्यू 3 होगी तो तीसरे रो की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आ जाएगी। यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमने के वाले लूप को यहाँ पे बंद किया है, जे वाले लूप को यहाँ पे बंद किया है और आई वाले लूप को हमने यहाँ पे बंद किया है। तो देखिए हमने 3 यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया है, एक आई के लिए, एक जे के लिए, एक के लिए, तो यहाँ पे हमने क्लोज भी किया है, ये हमारा के वाला, ये हमारा जे वाला और ये हमारा आई वाला। उसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स के वैल्यू कैलकुलेट होकर अभी आया है उसको हम प्रिंट करा देंगे, देन अगेन हम यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखे हैं आउटपुट मैट्रिक्स
और हमने रो वाला लूप चलाया है 0 से लेके 2 तक और कॉलम वाला लूप चलाया है 0 से लेके 2 तक और यहां पे हमने mij की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। इट मींस हमारे जो मैट्रिक्स के एलिमेंट थे वो हमारे यहां पे प्रिंट होकर के आ जाएंगे। तो यहां पे mij की वैल्यू हमारी प्रिंट होकर आएगी। तो जैसे ही हमारा j वाला लूप टर्मिनेट होगा पहली बार तो ये हमारा लाइन चेंज करेगा, इट मींस पहले रो की वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी, देन i का काउंटर चेंज होगा, देन इसके अंदर j वाला लूप पूरा चलेगा। तो यहां पे जो हमने स्लैश n लिया है वो लाइन को चेंज करने के लिए लिया है कि हर एक रो के बाद हमारी लाइन चेंज हो जाए और आउटपुट हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करके आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में और उसके प्रोग्राम के बारे में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।